हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज, कोलिजन शो की शुरुआत हर बार की तरह एक बैकस्टेज सेगमेंट से हुई, जहां पर हर एक रेसलर अपना कोलिजन शो का मैच हाइप कर रहा था। और ऐसे में जब यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड अपना मैच हाइप कर रहे थे, तभी स्वर्व स्ट्रिकलैंड की सेगमेंट के दौरान ही एयर फॉक्स ने आकर स्वर्व स्ट्रिकलैंड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और वो स्वर्व पर अटैक करते करते रिंग की तरफ ले आए, जिसके बीच इस वीक का कोलिजन शो भी ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और हमें इस तरीके से शो की शुरुआत में ही स्वर्व स्ट्रिकलैंड वर्सेस एयर फॉक्स ये मैच कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर देखने को मिला, जहां पर एयर फॉक्स स्वर्व स्ट्रिकलैंड पर अपना पूरा गुस्सा निकालते हुए स्वर्व पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और एयर फॉक्स इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन एक टाइम के लिए स्वर की मदद करने के लिए यहाँ पर मुगल एम्बेसी आ गई, जिस डिस्ट्रैक्शन से एयर फॉक्स इस मैच के अंदर अब ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इस चीज का फायदा उठाकर एयर फॉक्स पर अपना फिनिशर लगाकर स्वर ने अपने लिए मैच जीत लिया है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी इनके बीच में क्या होता है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मुगल एम्बेसी स्वर पर अटैक करने के लिए गई, जहाँ पर स्वर को बचाने के लिए FTR आ गए, जिसके बीच यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल भी आ गए। और यहाँ पर FTR की मदद करने के लिए ले फेक्सिकॉन इनोबले यानी कि रूस की टीम आ गए, यानी कि कोलिजन शो के मेन इवेंट का एक तरीके से हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू देखने को मिला। और ले फेक्सिकॉन इनोबले को देखकर यहाँ पर रिकी स्टार्स और बिग बिल और बाकी सब लोग रिंग छोड़कर भाग गए थे और लग रहा था कि रूस की टीम और FTR साथ है। पर जब FTR ने यहाँ पर रूस की टीम को हैंडशेक ऑफर किया, तब रूस की टीम ने FTR के साथ हैंडशेक किए बगैर वो रिंग छोड़कर चले गए, जिससे हम समझ सकते थे कि माना कि इनका एक कॉमन एनिमी है, लेकिन ये साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब मेन इवेंट मैच के अंदर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर डेनियल गार्सिया और MJF के लिए हाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें MJF एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए कहते हुए दिखाई दिए कि माना कि जेफ व्हाइट ने MJF को पिन किया है, पर जेफ व्हाइट अपने आप से पूछे कि क्या जेफ व्हाइट सच में MJF को 1-on-1 कॉम्पिटिशन के अंदर हरा पाएंगे या नहीं। और अगर इसका जवाब हाँ है, तो जेफ व्हाइट फुल गियर पेपरव्यू पर अकेले MJF से लड़ने के लिए आए, जो बात यहाँ पर MJF ने कही। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इसका जवाब जेफ व्हाइट क्या देते है। जिसके बीच हमें बुलेट क्लब गोल्ड का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हमें जेफ व्हाइट कहते हुए दिखाई दिए कि जेफ व्हाइट ने फाइनली MJF को पिन कर दिया है और जेफ व्हाइट अकेले कर सकते हैं। और ये बात जेफ व्हाइट फुल गियर पेपरव्यू पर प्रूव कर भी दिखाएंगे, जो बातें जेफ व्हाइट ने कही। तो देखने के लिए मजा आने वाला है कि अब फुल गियर पेपरव्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें लैक्सी बैकस्टेज में किप सेबियन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए किप सेबियन ने कहा कि लास्ट वीक किप सेबियन बातें कर रहे थे, पर मार्क ब्रिस्को ने आकर किप सेबियन पर अटैक कर दिया और इसलिए किप सेबियन काफी नाराज है। और इसलिए मार्क ब्रिस्को के खिलाफ जाने के लिए किप सेबियन ने अपने आप के लिए कुछ पार्टनर चूज किए है, जो कि वर्क हॉर्समैन थे। और यहाँ पर किप सेबियन ने एक तरीके से मार्क ब्रिस्को को एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया, जहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि मार्क ब्रिस्को के पार्टनर्स कौन होते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर ये बातें करते हुए कह रहे थे कि नेक हेल्थ काफी इम्पोर्टेंट है और लोगों को अपनी नेक हेल्थ की काफी चिंता करनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर द किंगडम का कुछ लोकल स्टार्स के खिलाफ एक टैग टीम मैच हुआ, जहाँ पर किंगडम ने इस मैच के अंदर उन लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उन पर अपना फिनिशर लगाकर एक स्क्वैश मैच के अंदर ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग खड़े होकर रिंग के अंदर गए और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने भी उन लोकल स्टार्स पर अटैक किया और दोबारा से आकर वो व्हील चेयर पर ऐसे बैठ रहे थे कि मानो कि वो इंजर्ड है। तो देखना पड़ेगा कि ये सब चीजें एडम कुल कब देखते हैं। पर इसके बाद में क्रिश्चियन केज के लिए भी एक हाई वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में लैक्सी बैकस्टेज में मार्क ब्रिस्को का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और लैक्सी ने उनसे पूछा कि मार्क ब्रिस्को के पार्टनर्स कौन होने वाले हैं। और इतने में यहाँ पर FTR आई और FTR ने कहा कि FTR मार्क ब्रिस्को की मदद करने के लिए तैयार है और वो एक रात पर 2 बार रसल करेंगे। पर मार्क ब्रिस्को ने कहा कि FTR को 2 बार रसल करने की जरूरत नहीं है, मार्क ब्रिस्को के पास और भी टैग टीम पार्टनर्स है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि FTR के अलावा मार्क ब्रिस्को के पार्टनर्स कौन होते हैं। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर लांस आर्चर एक 1-on-1 मैच के अंदर डार्बी एलन को फेस करते हुए दिखाई दिए और गाइज, इस पूरी के पूरे मैच के अंदर लांस आर्चर डार्बी एलन को मैन हैंडल कर रहे थे और लांस आर्चर डार्बी एलन को उठा उठा कर फेंक रहे थे, जहां पर डार्बी एलन की इस मैच के अंदर हालत काफी खराब हो रही थी। पर फिर भी डार्बी इस मैच के अंदर बने रहे और डार्बी एलन किस तरीके से लांस आर्चर पर अटैक कर रहे थे। लेकिन इसी बीच लांस आर्चर डार्बी एलन पर टॉप रोप से एक चोकस्लैम लगाने के लिए गए, पर डार्बी एलन ने लांस आर्चर पर वही टॉप रोप से अपनी सिग्नेचर पिन यानी कि कोडरेड लगा दिया, जिसके चलते सरप्राइजिंगली लांस आर्चर को पिन कर डार्बी एलन ने यह मैच जीत लिया है, जो मैच सच में काफी शानदार मैच रहा है, क्योंकि इस मैच के अंदर पूरा
का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के भी चैंट्स कर रहा था, लेकिन डार्बी एलन की मैच जीतने के बाद यहाँ पर जेक रॉबर्ट्स आ गए और एज ए लांस आर्चर के मैनेजर डार्बी एलन से बात करते हुए जेक रॉबर्ट्स ने कहा कि माना कि आज तक लांस आर्चर और जेक रॉबर्ट्स अकेले ही थे, पर जेक रॉबर्ट्स को पता है कि अगर उनको इस बिजनेस के अंदर सर्वाइव करना है तो उन्हें दोस्तों की जरूरत है। जो बात यहाँ पर जेक रॉबर्ट्स ने कही और जेक रॉबर्ट्स के ऐसे कहते ही यहाँ पर द रिचेस्ट मैन आ गए, जिससे हम समझ सकते थे कि शायद अब रिचेस्ट मैन ने जेक रॉबर्ट्स और लांस आर्चर को ज्वाइन कर लिया है। जिसी बीच लांस आर्चर ने पीछे से आकर डार्बी एलन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब यहाँ पर तैयार हुई नई फैक्शन क्या करती है और इनका फ्यूचर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में क्रिस स्टैटलैंडर, विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ने स्काई ब्लू से बात करने के लिए टाइम मांगा था और क्रिस स्टैटलैंडर ने स्काई ब्लू से कहा कि ये देखकर अच्छा लगा कि स्काई ब्लू ने जूलिया हार्ट को चूज नहीं किया, जिसका जवाब देते हुए स्काई ब्लू ने कहा कि स्काई ब्लू उनके साथ नहीं है और स्काई ब्लू ने क्रिस स्टैटलैंडर को चूज नहीं किया, स्काई ब्लू ने विलो नाइटिंगेल को चूज किया है क्योंकि उनके काफी अच्छे दोस्त थे, और एक कहकर स्काई ब्लू यहाँ चली गई। और यहाँ पर हम क्रिस स्टैटलैंडर को क्लियरली स्काई ब्लू को नाराज देख पा रहे थे, पर विलो नाइटिंगेल उन्हें शांत कर रही थी, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में लेक्सी पेंटा के मैनेजर एलेक्स एब्रांटेस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर एलेक्स पेंटा के फ्यूचर के बारे में बातें कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर स्वर आ गए और स्वर ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि मैनेजर्स को बोलने के लिए बाद में टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पर स्वर हैंगमैन पेज को एड्रेस करने के लिए आए थे, पर पेंटा के मैनेजर ने यहाँ पर स्वर से बात करते हुए कहा कि स्वर ने हैंगमैन पेज की फैमिली को इन्वाइट किया है और पेंटा के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली है, तो क्यों ना यहाँ पर स्वर और पेंटा के बीच में वन ऑन वन मैच हो जाए। जो चैलेंज एलेक्स एब्रांटेस ने थ्रो किया और स्वर ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, तो देखने के लिए मजा आएगा नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर क्या होता है। पर इसके बाद में द अक्लेम कोलिजन शो पर आकर अपने ट्रियोस चैंपियनशिप 69 डे सेलिब्रेट करने के लिए आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए बिली गन ने सबसे पहले सब लोगों को थैंक यू किया, क्योंकि क्राउड की वजह से ही आज अक्लेम 69 डेज तक ट्रियोस चैंपियन रही है। और ये पर एंथनी बोमस ने भी मैक्स कैस्टर को एक गिफ्ट दिया, जो गिफ्ट ये था कि एमजेएफ टाइटन और स्क्रीन पर आकर यहाँ पर मैक्स कैस्टर को मैक्स कैस्टर की 69 डेज तक के लिए चैंपियन रहने पर उन्हें कांग्रेचुलेट कहते हुए दिखाई दिए, जो देखकर मैक्स कैस्टर तो काफी खुश थे। और यहीं पर मैक्स कैस्टर ने इतने डेज एज ए चैंपियन कंप्लीट करने के ऊपर अपने आप को एक ट्रॉफी देनी चाहिए, जो ट्रॉफी देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड तो काफी खुश था और यहाँ पर सेलिब्रेशन खत्म होने के लिए आ ही रहा था, कितने में यहाँ पर डाल्टन कैसल और द बॉयज आ गए और वो रिंग के अंदर आ गए और लग रहा था कि शायद यहाँ पर डाल्टन कैसल अपनी तरफ से ट्रॉफी अक्लेम को दे सकते हैं और क्राउड भी डाल्टन कैसल को चीयर कर रहा था, पर सरप्राइजिंगली डाल्टन कैसल ने वो ट्रॉफी लेकर यहाँ पर वो ट्रॉफी तोड़ दी, जिससे द अक्लेम काफी गुस्सा हो गई और यहाँ पर एक ब्रॉल शुरू हुआ, जिस ब्रॉल के चलते हमें कोरियन शो पर एक सिक्स मैन टैग टीम मैच शुरू होता हुआ दिखाई दिया, जहाँ पर डाल्टन कैसल और द बॉयज द अक्लेम और डैडी एस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस ये मैच भी इस वीक के कोरियन शो पर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर दोनों ही टीम्स यानी कि डाल्टन कैसल और द बॉयज और द क्लेम और बिली गन को चीयर कर रहा था और क्राउड के इंटरेक्शन के चलते ये मैच भी इस वीक के कोलिजन शो पर एक काफी शानदार मैच हुआ। लेकिन ऐसे में ही मैच के आखिर में द क्लेम ने डाल्टन कैसल को रिंग के बाहर कर दिया और इनके अंदर द बॉयज पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर द क्लेम ने ये मैच जीत लिया है, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी डाल्टन कैसल और द क्लेम के बीच में क्या होता है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि डाल्टन कैसल का हील टर्न हो चुका है। पर इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में अंद्रादे का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और लेक्सी ने अंद्रादे से पूछा कि अंद्रादे का सीजे पैरी के लिए जवाब क्या होने वाला है और यहाँ पर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा कि अंद्रादे सीजे पैरी के लिए अपना जवाब इस वीक के डायनामाइट शो पर देंगे, तो देखना पड़ेगा कि अंद्रादे का जवाब क्या होता है। लेकिन इसके बाद में मार्क बिस्को कोलिजन शो पर किप सेबियन और उनकी टीम को फेस करने के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर मार्क बिस्को के पार्टनर कोई और नहीं बल्कि कीथ ली और डस्टन रोड्स थे, और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही किप सेबियन और वर्क हॉर्समैन ने यहाँ पर मार्क बिस्को की टीम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते इस मैच की शुरुआत से ही किप सेबियन की टीम ने इस मैच के अंदर थोड़ा पर डोमिनेट किया, पर मार्क बिस्को और डस्टन रोड्स ने यहाँ पर फाइट बैक किया और हमें इन दोनों के बीच मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त देखने को मिली। पर जैसे ही कीथली को टैग मिला वैसे ही कीथली ने रिंग के अंदर आकर सभी को रिंग के बाहर कर दिया और मार्क बिस्को किप सेबियन पर फिनिशर लगाने के लिए मदद कर यहाँ पर उन्हें पिन कर मार्क बिस्को कीथली और डस्टन रोड्स की टीम ने यह मैच जीत लिया है, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बागिन के साथ क्या होता है। और यहीं पर जैसे मार्क बिस्को बैकस्टेज गए वैसे ही लेक्सी ने मार्क बिस्को का इंटरव्यू लिया और यहाँ पर बात करते हुए मार्क बिस्को ने कहा कि जब से मार्क बिस्को वापस आए हैं तब से मार्क बिस्को देख रहे हैं कि जे व्हाइट ऐसी चैंपियनशिप कैरी कर रहे हैं जो कि जे व्हाइट ने कभी नहीं जीती और इसके पहले भी मार्क बिस्को ने जे व्हाइट को हराया है, तो क्यों ना मार्क बिस्को और जे व्हाइट के बीच में एक और मैच हो जाए। जो बातें कहकर मार्क बिस्को ने यहाँ पर जे व्हाइट को चैलेंज कर दिया, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बागिन के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर विलो नाइटिंगेल वन ऑन वन मैच के अंदर इमी साकुरा को फेस करते हुए दिखाई दी और गाइस ये दोनों ही सुपरस्टार्स AEW की पावर ऑफ सुपरस्टार्स है, जिसके चलते हमें ये मैच काफी हार्ड हिटिंग मैच देखने को मिला है, जिस मैच के अंदर इमी साकुरा और विलो नाइटिंगेल दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी और दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक किया।
और हमें इस मैच के अंदर काफी तगड़े मूव्स भी देखने को मिले। पर इस मैच के आखिर में वीरू नाइटिंगेल ने इमी साकुरा पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया। तो देखना पड़ेगा कि वीरू नाइटिंगेल के लिए नेक्स्ट क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में समोआ जो का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और लेक्सी ने समोआ जो से पूछा और लेक्सी ने समोआ जो से कहा कि समोआ जो ऑफिशियली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के लॉन्गेस्ट टीवी चैंपियन बन चुके हैं। तो इस पर समोआ जो का क्या कहना है, जहां पर समोआ जो कह रहे थे कि समोआ जो ने इस टाइटल रेन के अंदर हर एक सुपरस्टार को हराया है, जो बातें समोआ जो कहते इससे पहले यहां पर कीथ ली आ गए और कीथ ली ने समोआ जो से कहा कि समोआ जो ने हर एक स्टार को नहीं हराया। और ये सुनकर समोआ जो एक तरीके से कीथ ली को एक टाइटल शॉट देने के लिए मान गए, जो चैलेंज कीथ ली ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। जिस तरीके से हमें काफी जल्दी AEW पर मेरा एक ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर समोआ जो और कीथ ली एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, तो देखना पड़ेगा कि ये मैच कितना जबरदस्त होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहां पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें FTR और लेफ हेक्सागन इनोबली एक 10-man टैग टीम मैच के अंदर बिग बिल रिकी स्टार्स और मुगल एम्बेसी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सच में ये मैच कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है। और इस मैच के अंदर मल्टीपल सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे। और पूरे के पूरे मैच के अंदर सभी सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया, जहां पर मेनली रूश इस मैच के अंदर काफी स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे थे और इस मैच के अंदर अकेले रूश काफी बड़े स्टार दिखाई दे रहे थे। और इस मैच के अंदर हमें कई बार के लिए काफी बड़े बड़े ब्रॉल्स भी देखने को मिले। लेकिन आखिरकार रूश ने मुगल एम्बेसी पर अपना फिनिश लगाकर यहां पर उन्हें पिन कर अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया, जो एक काफी शानदार मैच रहा। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहां पर FTR लेफ हेक्सागन इनोबली के साथ हैंडशेक करना चाहती थी, पर फिर एक बार वो यहां पर हैंडशेक किए बगैर यहां चले गए। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में अब आगे क्या होता है। पर इतने में हाउस ऑफ ब्लैक टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर आई और यहां पर FTR से बात करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि FTR के तो बेस्ट फ्रेंड चले गए हैं और अब FTR की मदद करने के लिए AEW के अंदर कोई नहीं है। और हाउस ऑफ ब्लैक के ऐसे कहते ही हमने देखा कि लाइट्स वापस आने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक रिंग के अंदर खड़ा था और यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक FTR पर अटैक कर ही रहा था। कितने में यहां पर FTR को बचाने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट लगा गया, जिसके चलते हाउस ऑफ ब्लैक तो यहां से भाग गया। और इसी एक स्टे डाउन के साथ इस वीक का कोरियन शो ऑफर गया है, जो शो मुझे काफी अच्छा शो लगा है। पर देखना पड़ेगा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जॉन मॉक्सली तो हील है पर दूसरी तरफ ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बाकी सुपरस्टार्स फेस दिखाई दे रहे हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर गाइस जाते जाते मैं आपको CM Punk से रिलेटेड एक काफी बड़ी अपडेट बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि CM Punk अब एक फ्री एजेंट बन चुके हैं और वो किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। और हाल में पंक की कोई भी रेसलिंग कंपनी ज्वाइन करने को लेकर काफी बड़े रूमर सामने आ रहे हैं। पर आपको तो पता ही होगा कि फिलहाल के लिए CM Punk केज फ्यूरी फाइटिंग चैंपियनशिप पर एक कमेंटेटर का काम करते हैं। और इसी में जब हाल ही में CM Punk केज फ्यूरी चैंपियनशिप पर कमेंट्री करने के लिए गए थे, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर CM Punk कमेंट्री करते हुए काफी सारी चीजों को हिंट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि CM Punk के साथ कमेंट्री करने वाले एक आदमी के जेब के अंदर WWE के लोगों का एक रुमाल था, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्रोबेबली यहाँ पर CM Punk ये हिंट कर रहे हो कि CM Punk WWE के अंदर जा रहे हैं। पर इसके साथ ही हमने यहाँ पर CM Punk के कमेंट्री पार्टनर को ये कहते हुए सुना कि हमें केज फ्यूरी चैंपियनशिप पर टोटल नॉनस्टॉप एक्शन देखने को मिलने वाला है, जिसका शॉर्ट फॉर्म ही है TNA और ये TNA का ऑफिशियल फुल फॉर्म है टोटल नॉनस्टॉप एक्शन, जिससे हमें CM Punk फिर एक बार ये टीज करते हुए दिखाई दिए कि शायद हमें CM Punk TNA के अंदर भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर जब ये शो खत्म होने के लिए आया, तब हमें CM Punk एक तरीके से ये हिंट करते हुए दिखाई दिए कि शायद वो AEW पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्री करते हुए CM Punk के पार्टनर्स ने कहा कि अगर CM Punk ये मैच बुक करते तो फिर यहाँ पर जो हारा है वो सुपरस्टार जीतता और फैंस काफी खुश होते। जिसका जवाब देते हुए CM Punk ने कहा कि हाँ, अगर CM Punk को शो बुकिंग करने का मौका मिलता तो फैंस को एक एंटरटेनिंग शो मिलता है, जो बातें CM Punk कहते हुए दिखाई दिए। और इस तरीके से CM Punk ये भी हिंट कर रहे हैं कि CM Punk AEW के अंदर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि CM Punk पूरा का पूरा कोरियन शो बुक कर रहे थे और पूरा कोरियन शो CM Punk के कहने पर चल रहा था। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि CM Punk हर एक रेसलिंग कंपनी को हिंट कर रहे हैं कि शायद AEW, WWE या फिर TNA के अंदर भी जा सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और आप पंक को कौन सी कंपनी के अंदर देखना चाहते हैं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?